हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगेश कुमार देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, दुर्ग। टुडे इन पावर प्लांट इंजीनियरिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इफेक्ट ऑफ लोड वेरिएशन ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स इन अ स्टीम पावर प्लांट। ओके, क्या लोड वेरिएशन से क्या किस किस पैरामीटर में पावर प्लांट में क्या डिफरेंस आते हैं, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लोड ऑन पावर प्लांट का लोड जो है वो टाइम टू टाइम पे वेरी करता है एज पर डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो नोन एज वेरिएबल लोड ऑन द स्टेशंस। ओके, एक प्लांट का एक कंज्यूमर हमेशा एट अ टाइम सेम डिमांड नहीं करता है, तो अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग डिमांड्स होते हैं, तो उसकी वजह से प्लांट फ्लक्चुएट करता है, लोड फ्लक्चुएट करता है, तो उससे प्लांट्स में भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स आते हैं, देखिएगा, नीड ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट्स। जब प्लांट का लोड वेरी करता है तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है, एयर कूलर वाटर, तो वो भी वेरी करेगा, लोड बढ़ेगा तो ये इनकी भी ज़रूरत ज़्यादा होंगी, ठीक है, इनकी भी डिमांड बढ़ेगी, तो इनका हमारे पास सप्लाई सही होना चाहिए, सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए, हमारे पास स्टोरेज ज़्यादा होना चाहिए और तुरंत सप्लाई कर सकें, तुरंत वेरी कर सकें, उसके लिए अपरेटस भी लगे होने चाहिए, ठीक है, अलग से एडिशनल इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ये सब चीज़ें एडिशनल इक्विपमेंट्स हैं जो हमें वेरिएबल लोड वेरिएशन में काम आते हैं, ठीक है। अभी के जो प्लांट आते हैं वो ये सब चीज़ों से लगे होते हैं, इक्विप्ड रहते हैं, पहले के जो प्लांट होते थे उसमें ये सब नहीं होता था, तो इस वजह से बहुत सारे फॉल्ट्स आते थे, इसीलिए आजकल के प्लांट्स में ये सब लगाया गया है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, अब सीधी सी बात है, प्रोडक्ट फ्लक्चुएट करेगा डिमांड और लोड वेरी करेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि वैसे इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, महंगे इक्विपमेंट जो फ्लक्चुएशन डिमांड के साथ काम कर सके, ठीक है, एफिशिएंटली काम करे। एज अ सिंगल अगर मान लीजिए एक अल्टरनेटर लगा हुआ है और ज़्यादा मेगावाट के लिए भी काम कर रहा है, कम मेगावाट के लिए भी, तो उस अल्टरनेटर का काम क्या है, वो तो हमारा ज़्यादा वेस्टेज करेगा, कम अगर लोड है रिक्वायरमेंट, पुअर एफिशिएंसी है, तो पीरियड ऑफ लाइट लोड्स ऑन द प्लांट, ठीक है, तो क्या करेगा, वो वेस्ट जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम छोटे छोटे अल्टरनेटर लगाते हैं, और उससे क्या, कम डिमांड के लिए हम लोग छोटे अल्टरनेट से काम चलाते हैं, अगर ज़्यादा डिमांड होता है, फुल लोड होता है, तो पूरे अल्टरनेटर को एक साथ यूज़ कर लेते हैं। द यूज़ ऑफ नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स इंक्रीज द इनिशियल कॉस्ट पर किलोवाट ऑफ द प्लांट कैपेसिटी एज वेल एज द फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे लोड वेरिएशन ज़्यादा होता है तो हमको फ्लोर एरिया भी ज़्यादा चाहिए, उसके कारण इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है, इस वजह से जो प्लांट का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। पावर प्लांट डिज़ाइन, अब वेरिएबल लोड फ्लक्चुएशन के लिए तो स्टीम प्लांट को डिमांड को वैसा बना के रखना पड़ेगा कि फ्लक्चुएट होगा, तो उसके लिए हम तैयार रहें, तो उसके लिए हम लोग को पावर प्लांट का डिज़ाइन भी सिक्योर करके रखना पड़ेगा, डिज़ाइन करके रखना पहले से ही, वहाँ पर स्पेस अवेलेबल कराना होगा, इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर रखने होंगे, ताकि अगर मान लीजिए कुछ फेलियर होता है ना, तो वहाँ पर तुरंत उसको क्लियर कर सकें, चेंज करके दूसरे इक्विपमेंट्स को रन कर सकें। ड्यू टू दिस इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर गुड कंबशन, सिंस एफिशिएंट कंबशन रिक्वायर्स, गुड कंबशन को अचीव करना बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। ड्यू टू नॉन स्टडी लोड ऑन द प्लांट द इक्विपमेंट कैन नॉट ऑपरेट एट द डिज़ाइन लोड पॉइंट। नॉन स्टडी होने पर क्या होता है, जो डिज़ाइन होता है उस पे काम नहीं कर पाता है प्लांट। और क्या आता है पावर प्लांट ऑपरेशंस में, द वेरिएबल लोड ऑन इलेक्ट्रिक जनरेशन अल्टीमेटली गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द वेरिएबल स्टीम डिमांड। लोड फ्लक्चुएशन होता है तो स्टीम का डिमांड भी बढ़ता है, स्टीम का डिमांड बढ़ेगा मतलब वाटर और कोल को ज़्यादा बर्न होना पड़ेगा, उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करना पड़ेगा सप्लाई को, सप्लाई पोल को, कंबशन रेट को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट लीनियर विथ लोड, ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स वो लोड के हिसाब से लीनियरली काम नहीं करता है। सम ऑफ द टाइम वेरिएबल लोड्स लीड्स टू प्लांट फेलियर और शट डाउन ऑफ जनरेटिंग यूनिट। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट फेल हो जाता है और यूनिट भी शट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये थे रीजंस जिसकी वजह से आपका प्लांट जो है वो वेरिएबल लोड पे कैसे कहाँ कहाँ चीज़ों पे अफेक्ट करता है। थैंक यू।